सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आम का चित्र कैसे बनाते हैं, एप्पल का चित्र कैसे बनाते हैं एंड अंगूर का चित्र कैसे बनाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैंने एप्पल का चित्र बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ ऐसे यूज करनी है। तो बस यहाँ पर मैं ग्रेफाइट की पेंसिल यूज कर रहा हूँ, अप्सरा की। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं अच्छी तरह से, देन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको शेडिंग करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम में शेडिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर गाइस, मैं अंगूर का चित्र बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश वगैरह या पेंसिल वगैरह किसी बारे में पूछनी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ डार्क कर लेते हैं इसको, तब मैं आगे की पार्ट को बनाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे के पार्ट को भी बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा अंगूर का चित्र बन चुका है। अब मैं इसको डार्क करूंगा। तो डार्क करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज किया है। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे आम का चित्र बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए इसको खींच लेते हैं। देन गाइस, आपको इसे दो पार्ट में बांट देनी है, देन आपको बनानी है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये गाइस काफ़ी आसान ट्रिक होता है बनाने के लिए, तो आप भी कुछ इसी प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे गाइस, मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज कर रहा हूँ, तो बस आप केयरफुली वॉच कीजिएगा एंड अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे इसको डार्क कर रहा हूँ, तो चलिए इसको भी डार्क कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको शेडिंग करनी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होता है शेडिंग करना। तो गाइस, शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने अप्सरा की नॉर्मल पेंसिल यूज किया है, ग्रेफाइट वाली, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही आपको शेडिंग करनी है, देन मैं आगे के पार्ट बताऊँगा कैसे कैसे आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको शेड कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप शेडिंग हो चुका है। देन मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रश के माध्यम से शेडिंग करना बताऊंगा, कैसे इसको ब्लेंड करते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं।
तो गाइस अगर आपको डार्क शेडिंग करनी हो तो आप चारकोल पाउडर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा चित्र बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।